Hello, hello students. I am here with some objectives of chapter Chemical Kinetics. Chemical Kinetics is very important chapter for class 12. So today we are going to see some objectives that is very important for the MBBS and engineering entrance. Okay, let us see number one question. First question is for the reaction N2O5. Decomposition reaction NO2 to O2 क्या हो रहा है इसमें N2O5 चेंज हो रहा है NO2 और O2 में ठीक है एक रिएक्शन दिया गया है एंड इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीजेस बाय 5.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम इन 100 सेकेंड्स देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एक रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पर ये रिएक्शन में बताया गया है यहाँ पे 5.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 क्या है इसका कॉन्सेंट्रेशन है NO2 का जो बढ़ रहा है 100 सेकेंड में ठीक है देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करना है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है हम लोग पढ़े हुए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है रेट कॉन्स्टेंट जो रेट लॉ होता है उसके हिसाब से अगर देखेंगे NO2 बोल रहा है यहाँ पे NO2 का कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से निकालना है हम लोग को क्योंकि वी हैव बीन गिवन द कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू ऑफ NO2 विच इज 5.2 इंटू 10 टू माइनस 3 एम आफ्टर 100 सेकेंड्स टाइम भी दिया हुआ है तो एक्चुअली हम लोग को मालूम ये एक रेट लॉ जो है सपोज एयर भी अगर कोई रिएक्टेंट है तो कुछ इस तरह से हम लोग लिखते हैं रेट इज इक्वल टू के ए बी एयर बी जो है इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट्स का दूसरी तरीका जो है जैसे रेट हम लोग निकालते हैं रेट इज इक्वल टू जी डेल एक्स बाई डेल टी हम लोग करते हैं ठीक है वो देखना पड़ता है कि रिएक्टेंट ले रहे हैं कि प्रोडक्ट अगर रिएक्टेंट लेते हैं तो नेगेटिव साइन डालना पड़ता है ठीक है नेगेटिव साइन क्यों डालते हैं क्योंकि एज द टाइम इंक्रीजेस रिएक्टेंस रेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑल्सो डिक्रीजेस रिएक्टेंट घटते रहता है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो प्रोडक्ट भी बढ़ने लगता है तो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है प्रोडक्ट का बढ़ रहा है इसी की वजह से हम लोग जब प्रोडक्ट की तरफ से हम लोग जो रिएक्ट निकालते हैं उस वक्त हम लोगों को प्लस देना पड़ता है वही अगर रिएक्टेंट की तरफ से अगर निकालते हैं तो हम लोग माइनस देते हैं रेट निकालते वक्त अब डेल एक्स डेल टी है अगर हम लोग एनओ टू लेंगे देखिए रेट निकालेंगे अगर आर इज इक्वल टू डेल एनओ टू बाई डेल टी होगा लेकिन हम लोग यहाँ कॉफिशियंट भी देखेंगे बैलेंस जो रिएक्शन है यहाँ देखिए ये जो रिएक्शन दिया हुआ ये बैलेंस्ड है अब यहाँ पे क्या देखेंगे कॉफिशियंट जो है यहाँ 4 है कॉफिशियंट से भी हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा 1/4 ठीक है अब आर इज इक्वल टू क्या हो गया 1/4 डेल NO2 ये जो कॉन्सेंट्रेशन है NO2 का यहाँ पे दिया हुआ 5.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 5.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ठीक है और नीचे क्या है 4 भी है 4 के साथ डेल टी जो है यहाँ टाइम दिया हुआ 100 सेकेंड्स मतलब 100 सेकेंड्स में क्या हो जाता है प्रोडक्ट जो है NO2 इतना कॉन्सेंट्रेशन बना लेता है टाइम के इंक्रीज होते ही 100 सेकेंड्स उस वक्त तक का हम लोग को रेट निकालना है कि रेट क्या हो जाएगा इसमें देखिए रेट का अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा 5.2 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू अब 10 टू द पावर माइनस 3 ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मान लीजिए ये 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा ठीक है अब 4 से अगर इसको काटेंगे हम लोग तो लगभग इसका आंसर क्या आ जाएगा 1.3 के आसपास कुछ आ रहा है ठीक है अब यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 आ गया अब मैच कीजिए किसके साथ आप आंसर मैच कर रहे हैं यहाँ पे ए बी सी और डी तो ए आंसर करेक्ट है ठीक है आंसर ए इज करेक्ट ऑफ नंबर वन क्वेश्चन देखिए अगर यही फिर अगर कॉन्सेंट्रेशन दिया होता अगर N2O5 का और रिएक्टेंट के परसेप्शन में हम लोग को निकालना बोला गया होता तो हम लोग क्या करते हैं जस्ट नेगेटिव साइन डालना पड़ता है हम लोग ठीक है अगर रिएक्टेंट की तरफ से देखेंगे तो ये जो आंसर हो गया हम लोग का अब रिएक्टेंट की तरफ अगर अगर N2 की तरफ से लेंगे हम लोग तो रेट क्या हो जाएगा देखिए -1/2 डेल N2O5 बाई डेल टी हो जाएगा क्यों ये रिएक्टेंट है हम लोग को मालूम जो रिएक्टेंट क्या हो जाता है रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन घटते रहता है टाइम के अनुसार जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा और वही जो है प्रोडक्ट का NO2 बढ़ते रहेगा
इसीलिए हम लोग पॉजिटिव साइन यूज करते हैं, और कोफिशियंट भी जरूरी है रेट निकालते वक्त। ये तो हो गया, ये पहले वाला रेट लॉ है, ठीक है, रेट लॉ के हिसाब से ही है ये दोनों। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हम लोग, ये जो है एक पावर, पावर जो होगा यहाँ पे, या पावर हम लोग लेंगे ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लेंगे ए या बी कुछ भी जो दिया गया होगा हम लोग को, ये तो रेट लॉ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, या नेक्स्ट क्वेश्चन जो नंबर टू का सोल्यूशन होगा, क्वेश्चन क्या बताया, टू गैसेस ए एंड बी आर फिल्ड इन अ कंटेनर, कोई कंटेनर है, ठीक है, उस कंटेनर में ए और बी दोनों गैसेस है, जीएसएस गैसेस रखा गया था। एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ फॉर द रिएक्शन बिटवीन देम हैज फाउंड टू बी आर इज इक्वल टू के ए स्क्वायर बी। देखिए रेट जो दिया गया है यहाँ पे, रेट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर बी। अब हम लोग को मालूम है कि ये जो टू दिया गया है, ये टू देखिए रेट विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या है, यहाँ पे टू है, सेकेंड ऑर्डर दिया गया है। और वही दिया गया है कि बी रेट विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है। तो ओवरऑल जो ऑर्डर हम लोग देख रहे हैं, थर्ड ऑर्डर जो ओवरऑल ऑर्डर है, टू प्लस वन थ्री है, थर्ड ऑर्डर का ये रिएक्शन। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑन द रिएक्शन व्हेन प्रेशर इज डबल्ड। देखिए अब प्रेशर को क्या क्या गया है, यहाँ पे प्रेशर इज डबल्ड बोल दिया गया है। अब हम लोग मानेंगे प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, लेकिन वही अगर प्रेशर देखेंगे, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, इतना याद रखना पड़ेगा हम लोग। ये क्वेश्चन क्या डायरेक्टली लिंक कर दिया है प्रेशर के साथ। अब प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ेगा ही, प्रेशर डबल किया गया तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन भी डबल होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको किस तरह देख सकते हैं, हम लोग मालूम है आर इस पे क्या दिया गया कि वो आर है, तो इसको आर डैश ले लेते हैं। प्रेशर डबल किया गया तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विल ऑल्सो भी डबल, टू ए का होल स्क्वायर करेंगे और बी का भी ट्वाइस करेंगे, क्योंकि दोनों का ही क्या हो गया है, डबल हो चुका है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अगर अब हम लोग निकालेंगे तो आर डैश क्या हो जाएगा, देखिए के टू स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर, फोर एस ए टू और बी इधर हो गया इंटू टू हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो फोर टू से एट हो गया, तो एट टाइम्स जो है के ए बी हो गया, ठीक है, इंटू जब फोर हो गया और फोर टू से एट, एट टाइम्स दिस, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं आर, दैट मीन्स आर डैश इज इक्वल टू एट टाइम्स ऑफ आर, मतलब आठ गुना हो जाएगा, इसका मतलब आंसर बी है, ठीक है। ये तो दो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं अभी तक, आप लोग इसका ये लिख सकते हैं, सार सकते हैं इसको। सो स्टूडेंट्स, नंबर थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर इज हियर। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द फॉर्मेशन ऑफ एसओ थ्री बाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस हम लोग मालूम है, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, नहीं ये कॉन्टैक्ट चैम्बर में जो होने वाला इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन है, वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। टू एसओ टू प्लस ओ टू बना रहा है टू एसओ थ्री, वेल बैलेंस्ड इक्वेशन है ये। द रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड एज, देखिए अब हम लोग को मालूम है कि रिएक्टेंट की तरफ से जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, ये नेगेटिव साइन देख रहे हैं आप, नेगेटिव साइन रहता ही है, ठीक है। हम पहले लेक्चर में भी आपको बता चुके हैं कि ये ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है, इधर रिएक्टेंट की तरफ से अगर कोई रिएक्टेंट की तरफ से अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालने जाते हैं तो उस वक्त नेगेटिव साइन यूज करना पड़ता है, क्योंकि रिएक्टेंट इज क्या हो जाता है, रिएक्टेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग एज द टाइम इंक्रीज, टाइम के साथ ही रिएक्टेंट का जो कंसेंट्रेशन घटते जाता है, प्रोडक्ट बढ़ते जाता है, मेरे को मालूम है। अब उसके बाद यहाँ क्या बोल रहा है कि इसके हिसाब से रिएक्टेंट की तरफ से जो हम लोग निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ये निकल रहा है, देन फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एसओ थ्री। अब इन टर्म्स ऑफ एसओ थ्री क्या निकलेगा, देखिए तो अगर हम लोग रेट निकालते हैं तो क्या निकाल लेंगे हम लोग, ये डेल एसओ थ्री
ठीक है, ये नंबर वन का उत्तर है। रेट की करते हैं यहाँ पे और हम लोग लिखते हैं 1/2, ठीक है। तो जो रेट यहाँ से निकलेगा और जो रेट रिएक्टेंट के तरफ से हम लोग क्या निकाले, देखिए माइनस, यहाँ पे तो O2 है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, O2 के पास कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसीलिए हम लोग कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। डेल्टी द रेट ऑफ बोथ हियर आर वन एंड आर टू, देखिए आर वन और आर टू क्या हो जाएंगे यहाँ पे, रेट थोड़ी ना चेंज होता है कोई रिएक्शन का, आप इधर से निकालिए उधर से निकालिए, रेट तो सेम ही रहेगा। तो ये बस ये जो क्वेश्चन दिया गया ये ट्रिकी क्वेश्चन है, यहीं पे जाके स्टूडेंट्स रॉन्ग कर लेता है। नहीं तो अभी ये क्वेश्चन आएगा तो फिर कुछ ना कुछ तो दिया होगा, ए बी सी डी कुछ सब अलग है, यहाँ पे सी जो है सी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट चेंज। रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा आप लोग रिएक्टेंट की तरफ से निकालिए या प्रोडक्ट की तरफ से, चेंज नहीं होता है, ओके। अब जो रेट ऑफ अपीयरेंस है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, जो लोग पढ़े होंगे क्लास 12 में, वो सब चेंज हो सकता है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग कोफिशिएंट से डिवाइड करने के बावजूद कुछ क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन सेम ही रहेगा, ठीक है। तो नंबर वन का जो आंसर है वो सी रहेगा। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर इज फॉर द रिएक्शन ए ए, यहाँ ए और एक्स जो है कोफिशिएंट दिया गया यहाँ पे, ए जो है रिएक्टेंट है पी पी फॉर प्रोडक्ट, देन ए इज इक्वल टू 2.2 ml, जिसका कॉन्सेंट्रेशन है, ये क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, ठीक है। द रेट वॉज फाउंड टू बी 2.4 ml/s, देखिए यहाँ पे रेट जो दे दिया गया, जो पहला रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया 2.4 है, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्लियर क्या लिख लेंगे, नंबर टू का जो सोल्यूशन होगा यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग कि आर जो है 2.4 है, ठीक है। अब क्या बता रहा है क्वेश्चन, रिड्यूसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू हाफ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो है, जो पहले क्या था कॉन्सेंट्रेशन 2.2, देखिए पहले जो था ये ए था 2.2 था, अब ए बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.1, ठीक है 1.1 हो गया। अब फिर क्या बोला, द रेट चेंजेस टू 0.6 ml/s। तो अब देखिए आर था ये आर वन क्या हो जाएगा 0.6 बोल रहा है ml/s हो जाएगा। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ए घट रहा है, देखिए ए का कॉन्सेंट्रेशन हाफ करते ही जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हो रहा है 0.6। तो हम लोग इसके हिसाब से यही डाटा देख कर क्या करेंगे, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए, ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है ये क्वेश्चन में। देखिए नंबर टू में विथ रेस्पेक्ट टू ए फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए हम लोग को मालूम क्या है कि आर इज इक्वल टू के ए होता है, ठीक है। ए का जो हो रहा ऑर्डर तो हम लोग को मालूम नहीं है, ए का कॉन्सेंट्रेशन ही दे दिया गया है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, ये आर बाय आर वन करेंगे, आर बाय आर वन क्या हो जाएगा, आर से देखिए 2.ke, यहाँ पे देखिए ए क्या है हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ए जो है वो 2.2 है और नीचे फिर के ए बाई टू क्या है 1.1, जो हाफ हो जा रहा है, ए का कंसेंट्रेशन हाफ हो जाता है तो 1.1 हो जाएगा। हम लोग ए इसका ऑर्डर मान रहे हैं अभी, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आर हम लोग को दिया गया है 2.4 बाई नेक्स्ट आर वन जो है 0.6 है, तो के कट गया, उसको अगर काटेंगे तो 2 ही आएगा, 2 to the power a हो गया, 0.6 से 2.4 को काटेंगे तो 4 से जाएगा, दैट मीन्स 2 square is equal to 2 to the power a, यहाँ पे बेस सेम हो गया तो पावर विल बी इक्वल, तो a इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स द ऑर्डर विल बी 2, ठीक है ऑर्डर 2 है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग नंबर 5 का, द रेट ऑफ रिएक्शन ए प्लस बी प्लस सी गिव्स प्रोडक्ट्स is given by R equals to K A to the power 1 by 2, B to the power 1 by 3 or C to the power 1. यहाँ पे with respect to A, order है 1 by 2, with respect to B, 1 by 3, with respect to C, 1 है। तो हम लोग मान लो जो overall order निकलता है वो क्या होता है, जो A plus B plus C करके ही निकला जाता है, मतलब अगर add कर देंगे सबका जो order है with respect to A, B, C,
तो ओवरऑल ऑर्डर निकल जाएगा। नंबर फाइव का सॉल्यूशन हम यहाँ कर रहे हैं, ओवरऑल ऑर्डर जो होगा दैट वुड बी ए प्लस बी प्लस सी व्हेन वी विल ऐड ऑल दिस ऑर्डर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1 द एलसीएम विल बी 6। सो 3 प्लस 2 प्लस 6 विल बी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/6 विल बी द ऑर्डर। इसका मतलब 11/6 जो है इसका ओवरऑल ऑर्डर है। नंबर सिक्स का क्वेश्चन क्या बोल रहे, देखिए नंबर सिक्स इज इन द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन ए ए से बी बनने में के वन लग रहा है, ठीक है जो रेट कांस्टेंट है, बी से सी है के टू और सी से डी है के थ्री। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जब भी रेट कांस्टेंट जिसका सबसे कम होगा वो स्लोएस्ट रिएक्शन होगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट कांस्टेंट अगर ए टू बी बनने में के वन, देखिए के वन सबसे छोटा है तो के वन इज लेस, सबसे छोटा के वन ही है। तो के वन कहाँ पे है, देखिए ए टू बी बनने में लग रहा है, ए टू बी के वन लेस है, इसका मतलब स्लोएस्ट रिएक्शन जो होगा वो ए टू बी ही होगा। और हम लोग को मालूम कि स्लोएस्ट जो रिएक्शन होता है वही उसी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब यही स्टेप देख कर क्या मालूम पड़ता है, रेट मालूम पड़ता है कोई भी रिएक्शन का, ठीक है। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हेलो सुनिए, वी हैव सॉल्व्ड अप टू क्वेश्चन नंबर सिक्स, दिस इज नंबर सेवन क्वेश्चन। फॉर नंबर सेवन क्वेश्चन, क्वेश्चन इज इन दिस वे, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज 14 सेकेंड। देखिए हाफ लाइफ जो है कोई भी एक रिएक्शन का दिया हुआ है 14 सेकेंड है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इनिशियल कंसेंट्रेशन टू रिड्यूस टू 1/8 ऑफ इट्स वैल्यू। मतलब अगर 1/2 ए बाई टू होने के लिए किसी को कोई रिएक्टेंट को 14 सेकेंड लग जाता है, तो वही ए बाई एट होने के लिए कितना टाइम लग जाएगा, कितना हाफ लाइफ लग सकता है, उस टाइम कितना टाइम कंज्यूम करेगा। यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन 28, 42, 14 टू द पावर 3, 14 स्क्वायर। तो हम लोग एक मेथड तो हम लोग को पहले से मालूम है जो हम लोग बोर्ड्स में करते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए थोड़ा फास्ट होना जरूरी है। देखिए जैसे यहाँ पे क्या मालूम, हम लोग को टी हाफ दिया गया है, हम लोग को मालूम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ जो होता है वो 0.693/k होता है। तो वहाँ से अगर हम लोग रेट कॉन्स्टेंट निकाल लेंगे, देखिए रेट कॉन्स्टेंट हो गया, रेट कॉन्स्टेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा के हम लोग निकाल सकते हैं, के 0.5 आ जाएगा, तो फिर जाके हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं टी इज इक्वल टू 2.303/k log ए बाई ए बाई एट। देखिए ए बाई एट जो है ये रिमेनिंग वाला है, नीचे हम लोग क्या डालते हैं, रिमेनिंग जो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको हम लोग नीचे डालते हैं, ये जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ए बाई एट नीचे है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू निकलेगा 2.303/0.5 log 8 आ रहा है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली क्या आ सकता है, 42 सेकेंड ही आएगा। एक तो ये मेथड हो गया, नेक्स्ट मेथड क्या हो सकता है, नेक्स्ट मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिए इक्वेशन हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन ए बाई एट करना है, तो ए बाई एट किस तरह होगा, ए बाई देखिए फर्स्ट टाइम में ए बाई टू हो जाएगा फर्स्ट हाफ लाइफ में, सेकेंड हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, 4 से 8 होगा ना, तो 2 इंटू देखिए 8 है, तो कितना को हम लोग कितना बार ये इसको करेंगे, n टाइम्स कितना करेंगे तो 8 हो जाएगा। देखिए कितना का क्यूब होगा ये बोले तो 2 का क्यूब होगा, 2 क्यूब इज 8, सो नंबर ऑफ हाफ टाइम्स क्या हो गया, हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो होगा वो 3 होगा। दैट मीन्स जो हम लोग 14 सेकेंड दिया गया है, तो 14 सेकेंड को अगर हम लोग इंटू 3 करेंगे, ठीक है, तो क्या आ रहा है 42 सेकेंड्स इज टोटल टी हाफ, टोटल टी हाफ टोटल टाइम टेकन जो होगा, ठीक है, यहाँ जो टोटल टाइम टेकन है टी वो 42 सेकेंड ही आएगा, क्योंकि इसको 3 हाफ टाइम्स लग रहा है, 3 टी हाफ टाइम्स लग रहा है यहाँ तक पहुँचने में, ए बाई एट होने में कोई भी कंसेंट्रेशन का। तो एक मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड सिंपली हम लोग देखेंगे जितना हम लोग को रिमेनिंग करना है उसको क्या करेंगे, जैसे 8 है तो 8 क्या चीज़ का क्यूब है, तो 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब ही हम लोग बनाना है,
तो पहले बार में a बाई टू होगा, नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, ये a बाई फोर हो जाएगा, नेक्स्ट में a बाई एट तरफ चला जाएगा। तो यही यहाँ पे बोला कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 आ रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग 14 इंटू 3 करेंगे, 42 आ जाएगा आंसर, b इज करेक्ट आंसर। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। अब नंबर एट क्या बोल रहा है, देखिए नंबर एट, इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू 25%, इज रिड्यूस टू 25% इन 1 आवर। मतलब नंबर एट का जो है सोल्यूशन है उसमें हम लोग को क्या दिया गया है, देखिए रिड्यूस टू 25% बोल दिया है। दूसरा जो 1 आवर है इसका क्या है, टाइम है, मतलब 25% तक रिड्यूस होने में कितना टाइम लग रहा है, इट इज टेकिंग 1 आवर, दैट मीन्स टी इज इक्वल टू 1 आवर दिया हुआ है हम लोग को। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन इज व्हाट पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग को फॉर्मूला मालूम है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया गया, देखिए इसमें फर्स्ट ऑर्डर का हम लोग को मालूम क्या है कि के इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 2.303 बाई टी लॉग, ऊपर में हम लोग ए डालते हैं और नीचे क्या डालते हैं, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे बोल दिया गया कि 25% तक रिड्यूस हो जाता है, इसका मतलब 25% अगर हम लोग बोलेंगे 0.25 ही बोलेंगे, ए कर जाएगा, दिस 0.25 वी कैन राइट एज 4, यस ना, 2.303 बाई टी हम लोग 1 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लॉग ये 0.25 1 बाई 4 ही होता है, देखिए 0.25 1 बाई 4 होता है तो ऊपर जाएगा तो 4 ही बचेगा, ठीक है। अब 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 2.303 लॉग 4 को हम लोग 2 स्क्वायर लिख देंगे, और इसको इस तरह लिख पाते हैं कि नहीं, देखिए 2.303 लॉग 2, क्यों, फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, सिंपल मैथमेटिक्स है कि जैसे लॉग ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग ए, ठीक है, ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अब हम लोग को क्या निकालना है, देखिए हाफ लाइफ बताया गया है, तो हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ वुड बी 0.693, या तो ऐसे कीजिए जो हाफ लाइफ होता है, हाफ लाइफ जो होगा वो होगा 0.693 का मतलब ही होता है 2.303 लॉग 2, ठीक है, बाय के। तो यहां से के का वैल्यू हम लोग डालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए के का वैल्यू अगर डालेंगे तो 1/2 ही आएगा, 1/2 सेकेंड, 1/2 सॉरी आवर में है तो 1/2 आवर हो गया। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। आप लोग नोट कर सकते हैं, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी नंबर 9, नंबर 9 इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी नंबर 9। The decomposition of a substance R takes place according to first order kinetic के हिसाब से decomposition हो रहा है कोई reaction का, its initial concentration is reduced to 1/8, ठीक है, in 24 seconds, the rate constant of the reaction is, उसका जो rate constant होगा क्या हो जाएगा, rate constant of key of a reaction will be what, देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जनरली हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है आपको मालूम है यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर नंबर 9 का सॉल्यूशन, देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक फॉर्मूला क्या है, के इज इक्वल टू 0.693 बाई टी होता है, टी हाफ जो है हम लोग यूज करते हैं। दूसरा जो फॉर्मूला से निकलेगा, जैसे हम लोग क्या निकालते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 बाय t log a बाय, यहाँ पे देखिए a बाय 8 है कि क्या है, देख लीजिए पहले 1/8 हो रहा है, मतलब रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन 1/8 हो जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होगा ये 2.303 log, देखिए कोई भी आंसर यहाँ पे जो दिया गया है वो 2.303 कहीं भी नहीं है, ln के फॉर्म में एक आंसर है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, टाइम कितना दिया गया है, टाइम 24 सेकेंड इज बीन गिवेन,
ओके 24 इज गिवन। अब लॉग ये 8 हो जाएगा क्योंकि ए और ए कटने वाला है, ठीक है। अब 2.303 लॉग 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ln नेचुरल लॉग 8, ठीक है, बाय 24 हो रहा है ये। देखिए ln 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब लिख सकते हैं। अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि जैसे ये इसका पावर होता है वो 3 के साथ, ये 3 नीचे चला जाएगा, 3 इंटू ln 2 हो जाएगा ये। ये क्वेश्चन में अभी हम फॉर्मूला लिख के दिए थे आप लोगों को, तो ये 3 इंटू ln 2 बाय 24 हो जा रहा है, तो 3 8 24, द आंसर विल बी ln 2 बाय 8, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था ये, बस आपको कुछ ट्रिक करके ये लाना था जो मैच कर जाए इसके साथ। यहाँ से कुछ भी मैच नहीं हो रहा था, एक यही मैच हो पाया है ln 2 बाय 8। अगर ln 2 का मतलब क्या हो गया, जैसे ln 2 जो है यहाँ पे, अगर इसको नहीं चेंज करके कुछ पॉइंट में फॉर्मूला दिया गया तो इसको हम लोग को चेंज करना पड़ता है। आंसर यहीं पे मैच कर गया, इसी का मतलब आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नंबर 10 देखते हैं, तो हाफ लाइफ फॉर अ रिएक्शन इज 24, ठीक है। यहाँ पे दिया गया था हाफ लाइफ फॉर अ रिएक्शन इज 24 आवर्स, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज लॉ इज 10 ग्राम, हाउ मेनी ग्राम्स विल रिमेन आफ्टर 96 आवर, मतलब 96 आवर के बाद कितना ग्राम रिमेनिंग हो जाएगा। देखिए अब ये जो है नंबर 10 का सॉल्यूशन, टी हाफ दिया गया है, टी हाफ इज गिवन 24 आवर्स, ओके 24 आवर्स इज द टी हाफ फॉर 10 ग्राम। देखिए हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन 10 ग्राम दिया गया जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। अब टी हाफ में ये पहले बार जो हाफ लाइफ होगा वो 10 से 5 हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये 24 जो है, अब हम लोग को निकालना कितना है, 96 आवर, 96 आवर को 24 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, शायद 4 हाफ लाइफ आ रहा है, 4 आ रहा है, दैट मीन्स इट विल बी 4 टी हाफ लगेगा इसको, ठीक है, 4 टी हाफ लगेगा। तो 10 ग्राम जो है वो 10 ग्राम क्या है, किस तरह से चेंज होगा, पहले हाफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 बाई 2 करने से 5 आएगा, ठीक है, 5 आ रहा है। अब 5 कीजिएगा तो फिर 5 को फिर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.5, ठीक है। इसी तरह एक दो बार और डिवाइड करेंगे हम लोग इंटू 2 करके, नहीं तो यहां पे क्या आ जाएगा, 0.63। चार हाफ लाइफ का मतलब ये हो गया कि 10 ग्राम के बाद फर्स्ट हाफ लाइफ में ये 5 ही ग्राम बच जाएगा, सेकेंड हाफ लाइफ में फिर 5 बाई 2 करके 2.5 बच जाएगा, फिर उसको हाफ कीजिएगा दो बार और तो जाके 0.63 आ रहा है, दैट मीन्स द आंसर इज 0.63 ग्राम, ठीक है। ये हम लोग ट्रिक से किए हैं, जैसे हम लोग इसको सॉल्व किए थे नंबर 7 को, उसी तरह से हाफ लाइफ, ठीक है। हाफ लाइफ को समझना पड़ेगा कि कोई भी कॉन्सेंट्रेशन जो दिया गया है वो पहला हाफ लाइफ में हाफ हो जाता है, तो दूसरा हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा, जो 5 आया है हम लोग का फर्स्ट हाफ में, 10 से 5 हो गया, 5 को भी हाफ करना पड़ेगा, 2.5, फिर हाफ कीजिएगा तो लगभग कितना, 1.25 आएगा, 1.25 को फिर हाफ कीजिएगा तो लगभग आंसर आ जाएगा 0.63 ग्राम। चार हाफ लाइफ लग रहा है इसको क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन वाज क्लियर दैट फॉर ए कॉन्सेंट्रेशन 24 आवर्स इज द हाफ लाइफ 10 ग्राम के लिए, मतलब 5 ग्राम होने में उसको 24 घंटा लग रहा है, तो 96 आवर्स तक में इसका ग्राम कितना बच जाएगा, रिमेनिंग कितना हो जाएगा। तो सिंपल मेथड है, इसको डिवाइड बाय 2 करते चलिए चार बार, आंसर आ जाएगा 0.63। या तो इसका दूसरा प्रोसेस भी है, यहाँ पे हम बता के दिए थे आपको 0.693/14 करके, नहीं यहाँ जो हम लोग निकाले थे नंबर 7 के लिए क्वेश्चन, ठीक है। ये अभी तक हम लोग सारा क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं केमिकल काइनेटिक्स, ये पार्ट 1 ही है आपका, ठीक है, पार्ट 2 जल्दी आएगा।